हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाए ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए केजरीवाल बार बार ईडी द्वारा भेजे गए संबंध को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के भाजपा पर सही समय पर चुनाव न कराने के बयान पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल गलत बयानबाजी करते हैं और देश में चुनाव समय पर हो रहे हैं। भाजपा चाहती है चुनाव हो और इस बार भाजपा के 400 सांसद जीत कर आए। चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर लेकर जाए और उनकी टीआरपी बने, इसलिए वो बार बार मना करते हैं। केजरीवाल जी को फूल जुलूल बोलते रहते हैं, क्यों चुनाव ना हो, अभी तो चुनाव हो गया, हर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं और बाकी भी चुनाव होंगे, भाजपा क्यों चाहे जीत चुनाव ना हो, भाजपा तो चाहती है चुनाव हो और इस पर 400 सांसद जीत। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि लालकृष्ण अडवाणी ने देश में आदर्श एवं उच्चतम मूल्यों पर राजनीति की है और लोगों को प्रेरित किया है कि उच्चतम मूल्यों वाली राजनीति करनी चाहिए। मुबारकबाद है लालकृष्ण अडवाणी जी को, उन्होंने देश में आदर्श राजनीति की, उच्चतम मूल्यों पर राजनीति की और लोगों को प्रेरित किया कि उच्चतम मूल्य वाली राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गत दिवस बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में श्रमिकों के साथ बैठने पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी राजनीति में तो फेल हो गए हैं। उन्होंने INDI बनाई जिसकी अब भिंडी बन गई है, अब कोई न कोई और काम तो ढूंढना ही पड़ेगा और ये बीड़ी बनाने का काम भी अच्छा है। तो आपको कैसी लगी विज की राहुल गांधी पर चुटकी? ब्यूरो रिपोर्ट, द क्राउड न्यूज।